हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी मोशन। टेक्स्चुअल क्वेश्चंस हमारे कंटिन्यू चल रहे थे, जिनमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थी, जिनमें कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है, जिनको हम डिस्कस कर रहे थे अपने वीडियो लेक्चर के जरिए। तो आज हमारे जो टेक्स्चुअल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे पेज नंबर 109 पर, ठीक है, पेज नंबर 109 पर आपको देखने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, कुछ न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में उसने दिए हैं क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, सबसे पहले इनको न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मुझे इक्वेशन की जो तीन मोशन की जो तीन इक्वेशंस है, ठीक है, उनको बड़े अच्छे से याद रखना है। और जो कि क्या है, v इज इक्वल टू, जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। नेक्स्ट है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है 2as is equal to v square minus u square। ये इक्वेशंस तो हमें हमेशा, जो मोशन की जो तीनों इक्वेशन है वो हमेशा याद रखनी है, ठीक है, उनके बिहाफ पर ही हम न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट उसने न्यूमेरिकल दिया है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो मतलब उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वो क्या होगी, जीरो मीटर पर सेकेंड, यू इज इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड। हां जी, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, जो कि है ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, टी आपको गिवन है 2 मिनट्स। आप क्या करोगे, मिनट के सेकंड बना लोगे, 2 × 60 इक्वल टू 120 सेकंड्स। फिर उसने दिया है कैलकुलेट नंबर फर्स्ट स्पीड एक्वायर्ड ऑफ द बस, नंबर सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उसने स्पीड पूछी है, कितनी स्पीड एक्वायर करेगी, ठीक है, वो चली है रेस्ट से और कितनी स्पीड उसने एक्वायर की है, क्लियर है। हां जी, मींस आपको निकालना है वी, कितनी स्पीड एक्वायर की है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मींस आपको निकालना है एस, क्लियर। हां जी, आप कंपेयर करते हो, आप देखते हो तीनों इक्वेशन में मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले तो यू गिवन है और मुझे ए गिवन है, मुझे टी गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे दिखाई दे रही है, यू भी गिवन है, ए भी गिवन है, टी भी गिवन है, तो मैं वी निकाल सकता हूं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हां जी, वी इज इक्वल टू यू कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस ए है हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टी है हमारे पास 120 सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया है, क्लियर है। हां जी, तो वैल्यू हमारे पास वी की आ गई है, ये तो जीरो ही हो गया, 1/10 × 120, तो ये हमारे पास आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, जो कि उसने स्पीड मुझसे पूछा की थी, 12 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। नेक्स्ट उसने पूछा मुझसे कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एस आपको निकालना है। देखिए सेकेंड इक्वेशन में यू गिवन है, टी आपको गिवन है, हां जी एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप निकाल सकते हो सेकेंड इक्वेशन से। हां जी, फ्रॉम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, जीरो, टी कितना है, 120 सेकेंड, प्लस 1/2, हां जी
ए कितना है 0.1 और टी स्क्वायर 120 का स्क्वायर, ठीक है 120 का स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू, ये तो जीरो ही हो गया हमारे पास, 1/2 इंटू 1/10 इंटू 120 इंटू 120, क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास 720 मीटर, ठीक है 720 मीटर, इतना डिस्टेंस उस बस ने क्या किया है, ट्रेवल किया है, कितने मिनट में, 2 मिनट्स में, क्लियर। इस तरह से आप न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। हां जी, नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड। स्टेटमेंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। उसने बोला है ए ट्रेन इज ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर, मींस पहले ही उसने स्पीड दे दी है, यू उसने दिया है, यू इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, आप बना सकते हो इसके, हां जी मीटर पर सेकंड में 90 × 1000 मीटर डिवाइड बाय 1 आवर 3600, ये आपके पास बन चुका है, ठीक है। ओवरऑल आपके पास रिजल्ट आ गया है इसका 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। फिर वो बोलता है ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड, ब्रेक अप्लाई किए हैं तो मतलब वो क्या हो गई, रुक गई है, हां जी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बनी, जीरो, ठीक है। फिर उसने बोला है कि जो ब्रेक अप्लाई किए तो उसने एक्सेलरेशन को कैरी किया और वो एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हां जी, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट्स ब्रॉट टू रेस्ट, उसने बोला है कितनी दूर तक वो जाएगी ब्रेक लगने के बाद, रुकने से पहले वो कितनी दूर तक जाएगी, ठीक है। आपको क्या निकला, हाउ फार मींस डिस्टेंस के बारे में ही पूछ रहा है, कितनी दूर, वो डिस्टेंस के बारे में ही पूछ रहा है। आपके पास क्या क्या, यू है, वी है और ए है, ठीक है, हां जी वी है, यू है, ए है, तो आप क्या निकाल सकते हो, एस निकाल सकते हो, तो थर्ड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं इसको, 2as = v² - u², हां जी, 2 × a कितना है -0.5 × s = v² कितना है, v क्या है 0, -0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -25 का स्क्वायर, ठीक है -25 का स्क्वायर, तो आपके पास यह आ गया s = -625, 25 का स्क्वायर होगा 625 डिवाइड बाय 2 × -0.5, -2 - कैंसिल आउट आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 625 मीटर, ठीक है, हां जी आंसर आप निकाल लोगे, क्लियर है, हां जी 625 मीटर, क्लियर है, 0.5 है या फिर 1/2 मैं लिख सकता हूं, 1/2 × 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 625, क्लियर है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितनी दूर तक वो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, उसने बोला है ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 cm² per cm², ठीक है, एक्सेलरेशन उसने दी है 2 cm/s², एक्सेलरेशन 2 cm/s² उसने दिया है मुझे, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी बतानी है, टी आपको गिवन है 3 सेकंड, हां जी वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद 3 सेकंड के बाद आपको वेलोसिटी बतानी है, मींस स्टार्ट होने के बाद पहले तो वो क्या खड़ी है, रेस्ट में ही खड़ी है, तो यू आपके पास क्या है 0, ठीक है, और वी आपको बताना है, ठीक है, हां जी वी आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, यू आपके पास गिवन है, ए है और टी है, फर्स्ट इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू कितना है
यू जीरो है प्लस थ्री, हां जी ए कितना है टू, क्लियर है। टी कितना है टू सेंटीमीटर आपको दिया है, टू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, हां जी टी कितना दिया है आपको थ्री सेकंड, थ्री सेकंड एक सेकंड से एक सेकंड कैंसल आउट होगी, तो वी इक्वल टू आपके आ गया सिक्स सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है सिक्स सेंटीमीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है, क्लियर है। हां जी नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट है आपके पास ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन उसने दी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आप यूनिट से भी पता लगा सकते हो कि आपको गिवन क्या क्या है, ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो क्या गिवन है एक्सेलरेशन गिवन है। हां जी फिर उसने बोला है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, मींस एस आपको निकालना है, ठीक है आफ्टर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, इन 10 सेकंड मींस टी दिया है आपको 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट बोला है उसने, तो यू इज इक्वल टू क्या है 0 मीटर पर सेकंड, क्लियर है 0 मीटर पर सेकंड आपको इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी है, ठीक है। हां जी तो आपको निकालना है एस, एस आपको निकालना है, क्लियर। हां जी सेकंड इक्वेशन है मेरे पास, जब आपके पास यू भी है टी भी है ए भी है, एस आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। यू आपको गिवन है 0 इंटू टी आपको गिवन है 10 सेकंड प्लस 1/2, ए आपको गिवन क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हां जी टी आपको गिवन कितना है टी का स्क्वायर आपको गिवन है, तो 10 इंटू 10 मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10, क्लियर क्लियर है। हां जी तो ये तो 0 ही हो गया आपके पास, वेल आंसर क्या है आपके पास, आंसर आपके पास आ गया 200 मीटर, 200 मीटर 10 इंटू 10 100 इंटू 200 मीटर आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी होगी उसकी 10 सेकंड के बाद 200 मीटर, क्लियर है। हां जी नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है टेक्सटबुक क्वेश्चंस का वो रहेगा आपके पास, उसने बोला है ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, एक स्टोन है उसने ऊपर की तरफ फेंक दिया है वर्टिकली मींस इस तरह से, क्लियर है ऊपर की तरफ फेंक दिया है और किस वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है। तो आपको यू गिवन है यू इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर है आपको गिवन है। फिर उसने बोला है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मींस जब वो नीचे आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसकी एक्सेलरेशन पाई गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहले उसने फेंका क्या अपवर्ड बट वो आ रहा है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हुई एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या मानते हैं नेगेटिव। तो मेरे पास ए की वैल्यू आई है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हां जी नेक्स्ट उसने बोला है व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, कितनी हाइट अटेन की है मींस मुझे ये हाइट निकालनी है एस, तो इसका मतलब किसी सर्टेन हाइट पर जाकर वो कुछ टाइम के लिए रुका भी होगा, ठीक है रुका भी होगा, तो इसका मतलब जो फाइनल उसकी वेलोसिटी मैं मानूंगा वो क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। उसने हाइट बोला है, हाइट तो मैं इसको डिस्टेंस की टर्म में भी लिख सकता हूं एस भी लिख सकता हूं, तो एस आपको क्या करना है डिटरमाइन करना है, एस आपको क्या है निकालना पड़ेगा, क्लियर है ठीक है। हां जी तो मैं बोल सकता हूं इसमें एस आपको निकालना है, हां जी तो इसमें क्या रहेगा आपके पास जो टी उसने दिया है हेलो एवरीवन, हां जी हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी मोशन,
टेक्स्टुअल क्वेश्चंस हमारे कंटिन्यू चल रहे थे, जिनमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थी, जिनमें कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है, जिनको हम डिस्कस कर रहे थे अपने वीडियो लेक्चर के जरिए। तो आज हमारे जो टेक्स्टुअल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे पेज नंबर 109 पर, ठीक है, पेज नंबर 109 पर आपको देखने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, कुछ न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में उसने दिए हैं क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, सबसे पहले इनको न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मुझे इक्वेशन की जो तीन मोशन की जो तीन इक्वेशंस है, ठीक है, उनको बड़े अच्छे से याद रखना है। और जो कि क्या है, v इज इक्वल टू, जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। नेक्स्ट है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इक्वेशंस तो हमें हमेशा, जो मोशन की जो तीनों इक्वेशन है वो हमेशा याद रखनी है, ठीक है, उनके बिहाफ पर ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट उसने न्यूमेरिकल दिया है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो मतलब उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, यू इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, जो कि है ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, टी आपको गिवन है 2 मिनट्स, आप क्या करोगे, मिनट के सेकेंड बना लोगे, 2 × 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। फिर उसने दिया है कैलकुलेट, नंबर फर्स्ट स्पीड एक्वायर्ड ऑफ द बस, नंबर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसने स्पीड पूछी है कितनी स्पीड एक्वायर करेगी, ठीक है, वो चली है रेस्ट से और कितनी स्पीड उसने एक्वायर की है, क्लियर है। हां जी, मींस आपको निकालना है वी कितनी स्पीड एक्वायर की है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मींस आपको निकालना है एस, क्लियर। हां जी, आप कंपेयर करते हो, आप देखते हो तीनों इक्वेशन में मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले तो यू गिवन है और मुझे ए गिवन है, मुझे टी गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे दिखाई दे रही है, यू भी गिवन है, ए भी गिवन है, टी भी गिवन है, तो मैं वी निकाल सकता हूं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हां जी, v इज इक्वल टू यू कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस a है हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू t है हमारे पास 120 सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसल हो गया है, क्लियर है। हां जी, तो वैल्यू हमारे पास v की आ गई है, ये तो 0 ही हो गया, 1/10 × 120, तो ये हमारे पास आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड जो कि उसने स्पीड मुझसे पूछा की थी, 12 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। नेक्स्ट उसने पूछा मुझसे कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एस आपको निकालना है। देखिए सेकेंड इक्वेशन में यू गिवन है, टी आपको गिवन है, हां जी एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप निकाल सकते हो सेकेंड इक्वेशन से। हां जी, फ्रॉम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 0, टी कितना है 120 सेकेंड, प्लस 1/2, हां जी ए कितना है 0.1 और टी स्क्वायर 120 का स्क्वायर, ठीक है 120 का स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया हमारे पास, 1/2 इंटू
वन बाई टेन इंटू 120 इंटू 120, क्लियर है? तो ये आ गया आपके पास 720 मीटर, ठीक है, 720 मीटर। इतना डिस्टेंस उस बस ने क्या किया है, ट्रेवल किया है, कितने मिनट में, 2 मिनट्स में, क्लियर? इस तरह से आप न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर? हां जी, नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। स्टेटमेंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। उसने बोला है ए ट्रेन इज ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर, मींस पहले ही उसने स्पीड दे दी है, यू उसने दिया है, यू इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। आप बना सकते हो इसके, हां जी, मीटर पर सेकंड में 90 × 1000 मीटर डिवाइड बाय 1 आवर 3600, ये आपके पास बन चुका है, ठीक है। ओवरऑल आपके पास रिजल्ट आ गया है इसका 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। फिर वो बोलता है ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड। ब्रेक अप्लाई किए हैं तो मतलब वो क्या हो गई, रुक गई है, हां जी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बनी, 0, ठीक है। फिर उसने बोला कि जब ब्रेक अप्लाई किए तो उसने एक्सेलरेशन को कैरी किया और वो एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हां जी, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट्स ब्रॉट टू रेस्ट। उसने बोला है कितनी दूर तक वो जाएगी ब्रेक लगने के बाद, रुकने से पहले वो कितनी दूर तक जाएगी, ठीक है। आपको क्या निकला, हाउ फार मींस डिस्टेंस के बारे में ही पूछ रहा है, कितनी दूर, वो डिस्टेंस के बारे में ही पूछ रहा है। आपके पास क्या क्या, यू है, वी है और ए है, ठीक है, हां जी, वी है, यू है, ए है, तो आप क्या निकाल सकते हो, एस निकाल सकते हो, तो थर्ड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं इसको, 2as = v² - u², हां जी, 2 × a कितना है, -0.5, × s = v² कितना है, v क्या है, 0, -0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -25 का स्क्वायर, ठीक है, -25 का स्क्वायर। तो आपके पास यह आ गया s = -625, 25 का स्क्वायर होगा 625 डिवाइड बाय 2 × -0.5, -10 - cancel out आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 625 मीटर, ठीक है, हां जी, आंसर आप निकाल लोगे, क्लियर है, हां जी, 625 मीटर, क्लियर है, 0.5 है, या फिर 1/2 मैं लिख सकता हूं, 1/2 × 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या, 625, क्लियर है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितनी दूर तक वो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, उसने बोला है ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 cm² per cm², ठीक है, एक्सेलरेशन उसने दी है 2 cm/s², एक्सेलरेशन 2 cm/s² उसने दिया है मुझे, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी बतानी है, टी आपको गिवन है 3 सेकंड, हां जी, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद 3 सेकंड के बाद आपको वेलोसिटी बतानी है, मीन स्टार्ट होने के बाद, पहले तो वो क्या खड़ी है, रेस्ट में ही खड़ी है, तो यू आपके पास क्या है, 0, ठीक है, और वी आपको बताना है, ठीक है, हां जी, वी आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, यू आपके पास गिवन है, ए है और टी है, फर्स्ट इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, वी इजकल टू यू प्लस ए टी, वी इजकल टू यू कितना है, यू 0 है प्लस 3, हां जी, ए कितना है 2, क्लियर है, टी कितना है 2 cm आपको दिया है 2 cm/s², हां जी, टी कितना दिया है आपको
थ्री सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसल आउट होगी, तो v इक्वल टू आपके आ गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट है आपके पास ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन उसने दी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आप यूनिट से भी पता लगा सकते हो कि आपको गिवन क्या क्या है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो क्या गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है। हाँ जी, फिर उसने बोला है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, मींस एस आपको निकालना है। ठीक है, आफ्टर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, इन 10 सेकेंड मींस टी दिया है आपको, 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट बोला है उसने, तो यू इक्वल टू क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 0 मीटर पर सेकेंड आपको इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी है। ठीक है, हां जी, तो आपको निकालना है एस, एस आपको निकालना है। क्लियर? हां जी, सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास, जब आपके पास यू भी है, टी भी है, ए भी है, एस आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? यू आपको गिवन है 0 इंटू टी आपको गिवन है 10 सेकेंड प्लस 1/2, ए आपको गिवन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हां जी, टी आपको गिवन कितना है, टी का स्क्वायर आपको गिवन है, तो 10 इंटू 10 मैं लिख सकता हूं, 10 इंटू 10। क्लियर? क्लियर है? हां जी, तो ये तो 0 ही हो गया आपके पास। वेल, आंसर क्या आया आपके पास? आंसर आपके पास आ गया 200 मीटर, 200 मीटर, 10 इंटू 10, 100 इंटू 200 मीटर आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी उसकी 10 सेकेंड के बाद? 200 मीटर। क्लियर है?